नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान, मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज अपन करते हैं प्रश्नावली नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इस क्लास में अपन दो क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो उसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, बिंदुओं A 1, -3 और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तथा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु A लिया, एक B लिया, तो पहले जो निर्देशांक होंगे वे होंगे x1 और y1, दूसरे होंगे x2 और y2 और जो बिंदु O है वह क्या है, मूल बिंदु। माना मूल बिंदु O बिंदुओं A 1, -3 और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अपन देखते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, कौन से अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु O के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन सूत्र होता है m1x2+m2x1/m1+m2, m1y2+m2y1/m1+m2। तो अपन ने देखा पहला जो अनुपात है m1 और दूसरा होता है m2। m1 का मान के x2 -3 plus m2 1 x2 x1 1 बटे k plus 1 m1 plus m2। m1 का मान k y2 9 plus 1 y1 -3 बटे k plus 1। तो अपन ने m1 m2 x1 x2 y1 y2 के मान इस सूत्र में रख दिए। इधर से जैसे अपन ने पहले छांटे थे उसी प्रकार इसमें छांटना है x1 x2 y1 y2 और m1 m2 के मान। तो अपन देखते हैं प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस माइनस 3k + 1/k + 1, प्लस गुणा प्लस करेंगे प्लस 9k - 3/k + 1। तो ये अब इससे आगे अपन सरल नहीं कर सकते, तो आगे देखते हैं मूल बिंदु O के निर्देशांक। मूल बिंदु O के निर्देशांक अपन जानते हैं 0,0 होते हैं और ये भी किसके निर्देशांक हैं, बिंदु O के निर्देशांक। तो इनको उठाकर अपन ने इधर रख दिया -3k+1/k+1, 9k - 3/k+1। एक्स निर्देशांकों को बराबर करने पर -3k+1/k+1 = 0/1, -3k+1 = 0। तो एक को पक्षांतर किया माइनस, माइनस से क्या कट गया माइनस, तो k बराबर हो गया 1/3। तो k अनुपात 1 = 1/3। तो यही अपन को सिद्ध करना था कि 1:3 में अंतः विभाजित करता है, अनुपात निकालना था और सिद्ध करके अपन को ये लाना था कि वे जो बिंदु मूल बिंदु है दिए गए जो बिंदुओं से मिलाने वाले रेखा खंड को 1:3 में विभाजित करता है। तो ये अपना सिद्ध हुआ कि अनुपात। अब आगे कह रहा है कि वे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो जहाँ पर अंतः विभाजन में प्लस था उधर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। m1x2 - m2x1/m1 - m2, m1y2 - m2y1/m1 - m2, ये लगा देंगे। अब अपन आगे देखते हैं m1 m2। अब इधर अपना जो मान था कि m1 का मान आ गया 1 और m2 का मान आ गया
तीन, अनुपात अपन ने निकाल लिया भाई। तो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक इसमें मान रख देंगे m1 m2 x1 x2 y1 y2 और m1 m2 का। m1 एक माइनस x2 माइनस तीन माइनस m2 तीन x1 एक एक माइनस तीन। इसी प्रकार m1 का मान एक y2 नो माइनस फिर m2 तीन y1 माइनस तीन बट्टे एक माइनस तीन। प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस, प्लस माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस, माइनस तीन माइनस तीन, एक प्लस का तीन माइनस का तो माइनस के दो, कोमा नौ माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस, तीन का गुणा तीन से तो नौ, एक प्लस का माइनस के तीन तो माइनस के दो, माइनस तीन जोड़े माइनस छः बटे दो, नौ प्लस नौ जोड़े तो अट्ठारह बटे माइनस के दो। माइनस में माइनस का भाग दिया तो इधर चिन्ह आ जाएगा प्लस का, इधर चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और अठारह में दो का भाग दिया तो नौ और ऊपर प्लस का है, प्लस में माइनस का भाग दिया तो माइनस। तो आगे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक हैं वे तीन कोमा माइनस क्या हैं नौ हैं। बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तीन कोमा माइनस क्या है नौ। तो पहले में जो दो क्वेश्चन अपन को दे रखे थे वे अपन ने कंप्लीट किए, तो अब अपन देखते हैं बाकी के क्वेश्चनों की बात कि क्वेश्चन नंबर चार। तो क्वेश्चन नंबर चार अपन देखते हैं कि दो बिंदुओं 22.20 और 0.16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन को देखना है कि इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन देखते हैं कि एक बिंदु A, तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 और y2। ये केवल चित्र समझने के लिए बनाया है अपन ने। पहला बिंदु हो जाएगा x1 y1, दूसरा हो जाता है x2 और y2। तो अपन ने देखा मध्य बिंदु के निर्देशांकों के लिए जब मध्य बिंदु की बात होती है तो मध्य बिंदु के लिए जो अनुपात होता है वह 1:1 होता है। मध्य बिंदु का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 1:1 होगा। और मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, 22 प्लस 0 बटे 2 कोमा 20 प्लस 16 बटे 2। तो 22 में 0 जोड़ा 22 बटे 2 और 20 में 16 जोड़ा 36 बटे 2। तो अपन इसमें भाग दिया तो 11.18 अथे मध्य बिंदु के निर्देशांक 11.18 है। अथे मध्य बिंदु के निर्देशांक 11.18 है। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन अगले की। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।